हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूं आपके साथ में एक फेस वॉश यानी कि एक क्लींजर का रिव्यू, जो कि मैंने परचेज़ किया है सिम्पटन से। एंड आपको पता ही है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हुए हैं वही मैं आपके साथ उनकी डिटेल्स एंड रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपने वीडियो एंड देखते हैं आज मैं आपके लिए कौन सा क्लींजर लेकर आई हूँ। सो गाइस, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है काया एक्ने फ्री प्योरीफाइंग क्लींजर विद सैलिसिलिक एसिड फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। फॉर्मूला रिसर्च्ड एंड डेवलपमेंट बाय डर्मोलॉजिकल टेस्टेड। सो गाइज, काया के जितने प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एंड मैंने यूज़ भी किए हुए हैं। इसमें एक काया यूथ का एक फेस वॉश है जो कि मैंने बहुत पहले एक रिव्यू किया हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा है। बट वो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, वो अब अवेलेबल नहीं है। पर वो जो फेस वॉश था उसके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे, इसके भी अच्छे हैं। ये एक क्लिनजर है और क्लिनजर बहुत ही ज़रूरी होता है अपने फेस के लिए, आपके फेस को क्लियर करता है। ठीक है, ये जो है वो ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, एक्ने के लिए, जिनकी पिंपल्स एक्ने एंड जिनके जो पोर्स होते हैं ओपन पोर्स वो ब्लॉक हो जाते हैं, डर्ट पॉल्यूशन एक्सेस ऑयल जो निकलता है वो ये कंट्रोल करने का काम करता है। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जिससे जो आपकी डेड स्किन सेल्स होती हैं उसको रीजनरेट करने का काम करेगा, हटाएगा, डलनेस रिमूव करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये क्लिनजर बहुत ही अच्छा है। अगर आप बड़े साइज़ में परचेस करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, एंड मिनी साइज़ में अगर आप परचेस करके देखना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट कैसा है तो आप सिम्पटन से इसे परचेस कर सकते हो। और इस फेस वॉश को यानी कि इस क्लिनजर को आप 10 से 15 दिन यूज़ कर सकते हो आराम से, देन आप बड़ा परचेस कर सकते हो। ठीक है, बड़ा थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर आपको ये सूट कर रहा है, आप नहीं चाहते कि आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो एक्ने की या पिंपल्स की, क्योंकि एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और जब वो चले जाते हैं तो जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, उनसे भी ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो ये जो फेस वॉश है वो काफ़ी अच्छा है और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट और भी लॉन्चेस हैं, जैसे टोनर वगैरह, वो मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, मैंने यही यूज़ किया हुआ है। एंड जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा कॉस्टली है, तो सिम्पटन्स पे आप ट्राई कर सकते हो एंड आप बड़ा साइज परचेस कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा है एक्ने पिम्पल्स के लिए है, तो बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। एंड इसके बैक साइड वही चीज़ मेंशन है जो मैंने आपको अभी जस्ट बता ही दिया है, जो आपके फेस से सीबम निकलता है, जो आपके पोर्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं उनको मतलब क्लियर करता है, डर्ट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो एक्सेस ऑयल होता है उसको अच्छी तरह से ट्रीट करता है, रिमूव करता है, फाइट करता है एक्ने से, एक्ने से फाइट करने की प्रॉपर्टीज़ है, रिड्यूस करता है एक्ने को, एंड जो आपके ब्रेकआउट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करता है फ्यूचर तक के लिए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, यही सब चीज़ मैंशनड है जो मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया। यूज़ करने का तरीका, आप इस फेस वॉश को 2 बार यूज़ करें, एक सुबह एंड एक नाइट टाइम में। इससे क्या आपकी जितनी ज़्यादा स्किन क्लियर रहेगी, एक्ने पिंपल्स आने के चांसेस कम रहेंगे, साफ़ जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपकी स्किन में, एंड ग्लो करेगी। जो डर्ट से आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं या जो सीबम होता है उससे भी आपके पोर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे पिंपल्स आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करेगा। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो 25 ml है, तो आप देख सकते हो। एंड ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए भी है कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरह है ये, एक तो अपने बैग में आपने कैरी किया एंड आप जा सकते हो कहीं पर भी, तो बहुत अच्छा है अगर आप अपना प्रोडक्ट मिस नहीं करना चाहते हो। सो गाइज, अब मैं अंदर से ओपन करके दिखा देती हूँ कि अंदर से आपको प्रोडक्ट किस तरह से रिसीव होने वाला है। तो आप देख सकते हो, ये जेल बेस्ड में प्रोडक्ट है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी लाइट है। लाइट मीन्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जैसे मैं खोल रही थी तो एकदम से प्रोडक्ट बाहर आ गया, तो एकदम लाइट है, थिक नहीं है। तो आप देख सकते हो एकदम ट्रांसपेरेंट है ये, और इसमें फ्रेगनेंस भी है, और इसमें एक लाइट फ्रेगनेंस है, इरिटेट करने वाली नहीं है। और फॉर्म इसमें बनेगा, थोड़ा सा फॉर्म बनता ही बनता है, तो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइस, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बड़ा चाहते हो तो अमेजोन में भी अवेलेबल है, और अगर आप ट्राई एंड टेस्टेड करके तब बड़ा लेना चाहते हो तो सिम्पटन्स में ये मिल जाएगा। और सिम्पटन्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है इसलिए इसकी जो सील है वो हट गई है, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सील बंद आते हैं और ऑथेंटिक प्रोडक्ट होते हैं, रियल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा प्लस पॉइंट होता है। इवन अब मेरे घर में मेरे अलावा कोई प्रोडक्ट करना यूज़ करने वाला कोई है नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट रहता है मेरे लिए कि मैं यूज़ कर सकती हूँ एंड आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। तो ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।